हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो 10th क्लास के जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, हम चैप्टर 3 अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं। उसमें हमने ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड पढ़ लिया था, और इन मेथड को हमने करीब दो दो वीडियो में अच्छे तरीके से समझ लिया था। उसके बाद मैंने आपको रिड्यूसिंग इन लीनियर इक्वेशन कराया था, उसमें भी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड की अच्छे से प्रैक्टिस करा दी थी। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बोला था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को मैं बाद में लूंगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ये भी नाम से आता है कि यदि आपके मेथड का जो नाम आता है वो आपका ग्राफिकल मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड विद नेम आएगा। वैसे तो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन भी आ जाता है, लेकिन हमें जनरली यदि बोल दिया जाए कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशन तो हम सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। इनका यूज तभी करते हैं जब इनका नाम आता है, बाकी नाम जिसका आएगा फिर तो हम उसी मेथड का यूज करेंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन हम बिना उसके भी यूज कर लेते हैं। तो देखते हैं एक क्वेश्चन के हेल्प से हम इस मेथड को समझते हैं। क्वेश्चन है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 17, 3x - 2y = 6 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स को, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा रूल बता देता हूं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का रूल क्या है। देखिए, आपके पास जो लीनियर इक्वेशन होती है वो होती है ax + by + c = 0। तो सबसे पहले आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज करो दो इक्वेशन है, तो सब a1 b1 c1 और दूसरी होगी a2x + b2y + c2 = 0। यानी आपको अपना कांस्टेंट लेफ्ट साइड में लेकर आना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमारे कंपलसरी है कि हमें इस फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, एक्स के कोफिशियंट, वाई के कोफिशियंट और कॉन्स्टेंट को कंपेयर करके निकाल लेंगे, और उसके बाद हम यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखते हैं क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को, और फिर उनके कोफिशिएंट को आपको निकालना है। देखिए, द गिवन सिस्टम 2x + 3y - 17 = 0 और 3x - 2y - 6 = 0। सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोएफिशिएंट a1 2 a2 3 b1 3 a1 a2 b1 b2 - 2 c1 - 17 c2 - 6, ठीक है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने के लिए आप क्या करोगे, x = -y = 1। ये आपको याद रखना है, इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चन को करना है। अब बुक में क्या है, इसको प्लस ही रखता है, लेकिन मैं इसको माइनस इसलिए लेकर चल रहा हूं क्योंकि जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता, क्योंकि यदि हम यहां पे प्लस ले लेते हैं तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। वो मैं अभी आपको समझाता हूं किस तरीके से। देखिए, एक्स के लिए हमारे पास कोफिशिएंट कौन से थे, ये थे, तो इनको हम छिपा देंगे, यानी इनको नहीं लेना है, यानी जिसकी वैल्यू, जो हमारे पास वेरिएबल है
उसी के कोफिशियंट को हमें नहीं लेना है, तो यानी इनको हटा देंगे, हमारे पास ही बचते हैं ये और ये। अब इनकी करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो 3 - 6, फिर फॉर्मूले में माइनस होता है, माइनस ये माइनस लगाना है, और इसकी मल्टीप्लाई -2 - 17, ठीक है। उसके बाद y की निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। अब क्या होगा इसकी, अब देखिए यदि मैं यहां माइनस ना लगाता तो हमें क्या करना पड़ता, पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती, लेकिन यहां माइनस लगाने से हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की ऐसी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने b1 से c2 की करी है, ठीक है। यहां पर हम लिख भी सकते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लिख सकते हैं, b1 c2 - c1 b2। तो यहां माइनस लेने से हमें बेनिफिट ये हुआ कि a1 c2 जाएगा, a1 c2 - c1 b2। और कॉन्स्टेंट के लिए, कॉन्स्टेंट क्या है हमारे पास, ये है, तो हमारे हम c1 c2 को छोड़ देंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई में a1 b2 - b1 a2। तो समझ में आया, x के लिए इसको छिपा देंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई माइनस करके, y के लिए इसको छिपा देंगे a1 c2 - c1 a2, और कॉन्स्टेंट के लिए इसको छिपा देंगे a1 b2 - b1 a2। सॉल्व करते हैं, x 3 - 6 - -17 - 2 - y / 2 - 6 - -17 - 3 / 1 / 2 - 2 - 3 - 3 x = -18 - -y = -12 और +51 - 4 - 9, ठीक है। ऐड करेंगे कितना आएगा, -52, कितना आ रहा है, -52 -y/39 और 1/-39, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, x की वैल्यू निकालने के लिए ये तीनों आपस में इक्वल है, ये और ये, तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए इसको और इसको एक साथ ले लेंगे, तो x / -52 = 1/-39। तो सोल्व करेंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। माइनस के 52 इधर जाएगा ऊपर, माइनस से माइनस कैंसिल, और 13 - 4 = 52। y के लिए इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, -y/39 = -1/30। यहां से सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, 33 जा, हैंड सॉल्यूशन x = 4 और y = 3। ये है हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड। तो मुझे उम्मीद है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बार बार से इस वीडियो को देखिए, जिससे ये मेथड आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू।